हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। ये झटका कप्तान से जुड़ा हुआ निकल के आ रहा है। ये खबर पैट कमिंस की है। पैट कमिंस तीसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पैट कमिंस एक तो ज़बरदस्त कप्तान है और दूसरी तरफ ज़बरदस्त गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में जो 1 मार्च से खेला जाएगा, उसमें पैट कमिंस खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी जगह पर स्टीव स्मिथ को कप्तान बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी स्टीव स्मिथ की कप्तानी में क्या ऑस्ट्रेलियन टीम को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2 टेस्ट मैचों में अभी तक ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब देखने वाली बात होगी तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है स्टीव स्मिथ की कप्तानी में। बतौर कप्तान स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त कप्तान रह चुके हैं। पहले स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के ज़बरदस्त कप्तानी करते थे, लेकिन कुछ समय से स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस भी कप्तानी बहुत ही ज़बरदस्त करते थे, लेकिन इंडिया के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज़ में अभी तक पैट कमिंस ने अच्छी कप्तानी नहीं की। 2-0 से इंडियन टीम आगे है। अब देखने वाली बात होगी 1 मार्च से होने वाले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है। ये 1 मार्च से पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा।